कहते हैं जहाँ भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की ही एक महिला ने अपने जज्बे और जुनून से पूरी दुनिया में अपना ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिसने इन पंक्तियों को अपने जीवन में अमल किया और अपने जीवन में हर संघर्ष का डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली गई। भारत के मणिपुर में एक गरीब परिवार में जन्मी एक बेटी ने कामयाबी के उस मुकाम को हासिल कर लिया जहाँ अच्छों अच्छों के हौसले दम तोड़ देते हैं, जहाँ शायद ही कभी उसके घर वालों ने उसकी इस कामयाबी का ऐसा सपना भी देखा हो। हम बात कर रहे हैं 35 साल की भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम की। कुछ महीने पहले ही मैरी कॉम ने 5वां एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता और अब राष्ट्रमंडल खेलों में पदक अपने नाम किया है। वहीं अगर बात उसकी निजी जिंदगी के बारे में की जाए तो यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उनको यौन शोषण तक का भी शिकार होना पड़ा। आयरन लेडी कही जाने वाली मैरी कॉम बॉक्सिंग रिंग के अंदर जितनी जुझारू है, वहीं उन्होंने असल जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना किया। मुश्किलों का वो दौर था जब 2011 में मैरी कॉम के 3.5 साल के बेटे के दिल का ऑपरेशन था और उसी दौरान मैरी कॉम को चीन के एशिया कप के लिए लड़ने जाना था। मैरी कॉम के लिए वो फैसले की घड़ी सबसे मुश्किल थी, लेकिन वो कहते है ना, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। आखिरकार मैरी कॉम के पति अपने बेटे के साथ रहे और मैरी कॉम एशिया कप में गई और ये ही नहीं, वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीत कर लाई। ये मैरी कॉम के हौसलों की ही उड़ान थी जो उन्हें लाख मुश्किलों के बावजूद भी कामयाबी की ऊंचाई तक ले आई और पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। कैमरामैन पिंटू के साथ सुमन सोरेन, लाइव खबर।